सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को चरितार्थ करते हुए आज यमुनानगर पुलिस ने पंजाब के बरनाला से अपने ही मालिक का बच्चा अगवा करके बिहार ले जा रहे एक युवक को रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस उपस्थिति दिवस पर यमुनानगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पंजाब से अपने ही मालिक के बच्चे का अपहरण कर बिहार ले जाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि वह व्यक्ति पंजाब से जहां काम करता था अपने ही मालिक के बच्चे को उठाकर बिहार ले जा रहा था। इसी बीच आज जब पूरे जिले में पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया जा रहा है तो जगह जगह पुलिस अपनी उपस्थिति दिखाते हुए नाकेबंदी कर हर जगह चेकिंग कर रही है। इस दौरान जब पुलिस को उस व्यक्ति को रोक कर जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद ये पता चला कि वह व्यक्ति अपने ही मालिक के बच्चे को उठाकर लाया है और उसे बिहार ले जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पंजाब पुलिस को सूचना दे दी है। बच्चा है 7 साल का, इसका एक अकबर है जो इनके पास नौकरी करता था पंजाब में ही। बरनाला से इसको आज सुबह ब्रेड देने के बहाने उठाकर लेकर आया है। इसको हमने रेलवे स्टेशन यमुनानगर से बच्चे को भी रिस्को भी रेस्क्यू कर लिया, बच्चे को ग्राउंड कर लिया और पंजाब पुलिस इसको लेने के लिए आ रही है हमारे पास। तो क्या ये मीटिंग में आई थी आपके पास? नहीं, हमें सोचना मिली थी कि कोई व्यक्ति एक बच्चे को ले रहा है, वो बच्चा अनजान है, तो हमारी पुलिस आज रेलवे स्टेशन पर कुछ चेकिंग दे थी, पुलिस प्रेजेंस डे था आज हमारा, तो उसमें हमने तुरंत उसको बच्चे को किया, उससे पूछताछ करी, पता चला कि बरनाला से लेके आया अकबर है जो इनके पास नौकरी करता था पंजाब में ही। बरनाला से इसको आज सुबह ब्रेड देने के बहाने उठाकर लेकर आया। इसको हमने रेलवे स्टेशन यमुनानगर से बच्चे को भी रिस्को भी रेस्क्यू कर लिया, बच्चे को ग्राउंड कर लिया और पंजाब पुलिस इसको लेने के लिए आ रही है हमारे पास। तो क्या ये नहीं, हमें सोचना मिली थी कि कोई व्यक्ति एक बच्चे को ले रहा है, वो बच्चा अनजान है, तो हमारी पुलिस आज रेलवे स्टेशन पर कुछ चेकिंग देती, पुलिस प्रेजेंस डे था आज हमारा, तो उसमें हमने तुरंत उसको बच्चे को किया, उससे पूछताछ करी, तो पता चला कि बरनाला से लेके आया। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्राय की रिपोर्ट।